ये आकाशवाणी है। कंट्री वाइड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी की बातचीत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें महिलाओं का विकास और वो लोग जो विकास में कहीं पीछे रह गए हैं उनको समाज के समरांतर लाना है। थावरचंद जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके मंत्रालय की है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं बहुत उन्नति की ओर आगे बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला सवाल आपसे ये चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो उसे आप कैसे देखते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इन सब सशक्तिकरण के लिए जो कानून बना है उसमें समान अधिकार है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो कानून बना है उसमें भी महिलाओं के लिए समान अधिकार है, समान अवसर के प्रयास किए जाते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आज भी आप और हम सब देखते हैं कि लोग जब धन की अपेक्षा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और बल की अपेक्षा करते हैं तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कालिका की पूजा करते हैं, शिक्षा की अपेक्षा करते हैं तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं। आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके माध्यम से बहुत सारी कार्य योजनाएं उनके हित में संचालित की जाती हैं। मेरे विभाग में भी हम कौशल प्रशिक्षण देते हैं तो महिलाओं को भी कौशल प्रशिक्षण देते हैं, ऋण सुविधा देते हैं तो महिलाओं को भी देते हैं, नौकरियों में 4% आरक्षण है तो उसमें महिला भी सम्मिलित है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है उसमें महिलाओं को भी लाभ देते हैं, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए 18 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया है उसमें भी महिलाएं सम्मिलित हैं, वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से हम उनको लोन देते हैं तो लोन में भी उनकी सहभागिता है। विशेष कार्य योजना हमने बनाई है कि जो महिलाओं को ऋण देते हैं उसकी ब्याज की दरें पुरुषों की तुलना में कम लेते हैं, जैसे पुरुषों से 5-6% लेते हैं तो महिलाओं से 3-4%, और पिछले 5 वर्षों में हमने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं और उससे महिलाएं बहुत लाभान्वित हुई है। जैसे 12,959 लाभार्थियों को हमने 102,55,00,000 रूपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सशक्तिकरण के लिए 3,23,345 महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही साथ पढ़ने वाली 30,950 छात्राओं को हमने ये स्कॉलरशिप दी है, भिन्न भिन्न श्रेणी की स्कॉलरशिप दी है। कौशल प्रशिक्षण की मैंने बात कही, हमने इन 5 सालों में 27,431 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। प्रयास रहता है कि कौशल प्रशिक्षण देने के बाद उनको स्वावलंबी बनाया जाए। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, केंद्रीय मंत्रालय है आपका, इतना बड़ा हमारा देश है, तो जो आप ये अनुदान राशि देते हैं, सहायता राशि देते हैं या शैक्षणिक फेलोशिप है इस तरह की, जब वो राशि अंतरण की जाती है उनके खातों में, तो इसकी पारदर्शिता के लिए क्या उपाय मंत्रालय ने किए? उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से ही जारी करते हैं, बिचौलियों का कहीं कोई सवाल नहीं उठता। जिसको राशि मिलना होती है पूरी की पूरी राशि उन्हीं को मिलती है। आपको ध्यान होगा कि पहली बार ऐसा अवसर आया है जब इन 5.5 सालों में अनियमितता का कोई आरोप नहीं लगा है, और ये आरोप इस बात को सिद्ध करता है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, पैसा देने का काम भी ट्रांसपेरेंट है, योजनाओं को कार्यान्वित करना, आवेदन ऑनलाइन मांगना, ये सब ट्रांसपेरेंट है। यही कारण है कि कहीं से किसी प्रकार की रत्ती भर भी अनियमितता का कोई आरोप नहीं लग पाया है। आर्थिक रूप से जब महिला को सशक्त बनाने की बात आप करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने संतुष्ट हैं इन योजनाओं से, या ये कह सकते हैं कि क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जो मैंने उपलब्धियां बताई है ना अभी, वो उपलब्धियां हमने इन 4.5-5 सालों में की।
और ये सब योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और मेरे इस विभाग के मंत्री बनने के बाद नई शुरू की है। तो भविष्य की योजनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? भविष्य की योजनाएं निश्चित रूप से जो मैंने उपलब्धियां आज बताई है, जब नई नई योजना बनी उसका प्रचार प्रसार और योजना को कार्यान्वित करने के नियम कानून कायदे रेगुलेशन बनाने में कुछ समय लगा। इम्प्लीमेंट अभी 2 साल से व्यवस्थित होने लगा है और इन 2-3 सालों में हमने इतनी सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। गांव गांव की महिलाओं को, दूर दराज के इलाकों में महिलाएं इस बारे में जागरूक हो सकें कि सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है, सरकार उनके बारे में सोचती है और सरकार उनके बारे में कर रही है, ये जागरूकता के प्रयास आप किस तरह से करते हैं? हम योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार करते हैं, सार्वजनिक कैंप लगा करके उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, वेबसाइट पर ये सारी जानकारियां डाल रखी है। मेरे विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हो या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय की हो, सबको सार्वजनिक कर रखा है। लोग उसका अध्ययन करके और योजनाओं का लाभ लेते हैं। एनजीओ के माध्यम से, ऑटोनॉमस बाटी के माध्यम से इन सब योजनाओं को हम कार्यान्वित करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। इस वर्ष की थीम के बारे में अगर हम बात करें, महिलाओं की ही बात कर रहे हैं, तो सभी के लिए समान अवसर रखा गया है विषय, इसको प्रभावी तौर पर लागू करने में कितना सक्षम पाते हैं आपको? देखो, इसके लिए तो एक थीम बनी हुई है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। जब हम सबकी बात करते हैं तो महिलाओं को भी वही अवसर जो अन्य लोगों को है, इसी थीम के आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम 6 तारीख को एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आपने देखा होगा तो एक दिव्य कला शक्ति एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी महिलाएं ज्यादा थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महिलाओं को आगे लाना, मुख्य धारा में लाना, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी पर लाना और जो थोड़ा बहुत भी आनुपातिक अंतर दिखाई देता है उस अंतर को कम करना और समानता लाना है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि महिलाओं को ऋण देने के लिए प्रत्येक बैंक अगर 2 लोगों को ऋण दे रही है तो कम से कम एक महिला को दे। तो इसमें यंग एंटरप्रेन्योर, युवा उद्यमी महिलाएं जो हैं उनके लिए अलग से कुछ उपाय किए गए हैं जो घरेलू उद्योग खोलना चाहती है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, ये सब उद्योग डालने की दृष्टि से, उद्यमिता में कोई प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक कार्य योजना बनाई थी। बैंकों को निर्देशित किया था कि जो बैंकें लोन देती है अगर 2 लोगों को लोन देती है तो कम से कम एक महिला को लोन देना चाहिए, ये बराबरी पर लाने का ही एक प्रावधान किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, कार्य योजनाएं बनी है, उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम भी किया। आपको अन्य मंत्रालयों से कितनी सहायता लेनी पड़ती है इसको लागू करने के लिए? देखो, हम सहभागिता की दृष्टि से महिला बाल विकास विभाग से भी सहायता लेते हैं, अनुसूचित जाति मंत्रालय से भी सहायता लेते हैं, फिर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय से भी राय लेते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय से भी राय लेते हैं। कुल मिलाकर के जो जो योजनाएं महिलाओं के हित की बनी हुई उन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास हमारे विभाग द्वारा भी किया जाता है। शिक्षा के तौर पे हम एक महिला को शिक्षित करते हैं और फिर उसके बाद बात आती है रोजगार की, तो शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो इस दिशा में कितने प्रयास किए गए? देखो, शिक्षा की दृष्टि से सबको शिक्षा, समान शिक्षा देने की दृष्टि से एक कानून बना हुआ है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम रहती थी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो व्यवस्था की है इसके कारण महिलाओं का प्रतिशत तेज गति से बढ़ा है। मेरे विभाग में भी जैसे मैंने बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम 5% आरक्षण दे रहे हैं, उस आरक्षण में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, नौकरियों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, हर काम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग बराबर बराबर जैसा है, इस कारण से इनका प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन कहीं आपको लगता है कि जो महिला है और दिव्यांग है तो उसके लिए कहीं चुनौतियां और ज्यादा हो जाती हैं? निश्चित रूप से चुनौती तो वैसे सबके लिए है, परंतु महिलाओं के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना और सामाजिक परंपरा ऐसी रही है कि
कि महिला घर पर रहेगी, घर का काम करेगी, गृहिणी के रूप में रहेगी। इस परंपरा को धीरे धीरे समाप्त करके महिला हर काम में पुरुष की बराबरी करे, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास में कठिनाई तो आती है, परंतु तेज गति से प्रगति हो रही है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार योजना है हमारे यहाँ, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार देने में भी प्राथमिकता देते हैं। उसका चयन आप कैसे करते हैं? चयन करने के लिए एक चयन कमेटी होती है, ऑनलाइन आवेदन मांगते हैं, आवेदन में से शॉर्ट लिस्ट होती है, शॉर्ट लिस्ट के बाद में फिर हमने 2-3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हमारे विभाग की ओर से। 50 महिलाएं 50 पुरुष 25 महिलाएं 25 पुरुष, मतलब बराबर बराबर एक कैटेगरी में देते हैं। एक कैटेगरी में एक पुरुष तो एक महिला, एक पुरुष तो एक महिला, इस प्रकार से देते हैं और वहां भी उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को RPWD एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो एक्ट हमने बनाया है 1995 का, उसमें दिव्यांगजनों की केवल 7 कैटेगरियां थी। 2016 में हमने नया कानून बनाया, रूल्स बनाए और लागू किया, उसमें 21 श्रेणियां हो गए। पिछले कानून में नौकरियों में 3% आरक्षण था, नए कानून में 4% आरक्षण हो गया। शैक्षणिक संस्थाओं में पहले 3% आरक्षण था, अब हमने 5% आरक्षण कर दिया। इसके साथ ही साथ बोर्ड बनाने का प्रावधान है, वो बोर्ड दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण की दृष्टि से जो जो भी कार्य योजनाएं एक के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहिए उन सबकी मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग करके जो जो खामियां दिखती है उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं, जो अच्छाइयां हैं वो और अच्छाई हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। नए कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान कर दिए हैं हमने कि एक भी दिव्यांग किसी भी श्रेणी का भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं हो सकता। बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है, क्योंकि महिला दिवस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो शहरों में जो महिलाओं का सक्षमता है या सशक्तिकरण है वो दिखाई देता है, लेकिन गांवों में अभी वो सोच, जैसा कि हमने अभी बातचीत में कहा, अभी उस सोच से ऊपर लाने में वक्त लगेगा। गांव में भी बहुत तेज गति से अंतर दिखाई देने लगा है, गांव की महिलाएं भी पहले की तुलना में बहुत सशक्त हो रही है, और गांव में भी शहर का वातावरण का असर दिखाई देने लगा है और अच्छे ढंग से दिखाई देने लगा है। यानी आपको लगता है कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश, ये जो सूत्र वाक्य है, देश को लेकर के जो कार्ययोजनाएं बनी है ना, वो शहरों में भी कार्यान्वित हो रही है और ग्रामों में भी कार्यान्वित हो रही है, और गांव में और अच्छे ढंग से कार्यान्वित हो रही है, कई जगह तो ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि सरकार की योजनाएं गांव तक ठीक से इम्प्लीमेंट हो, इस प्रकार का प्रयास करने में सक्रियता दिखाई देती है। कोई एक ऐसा सूत्र वाक्य या कोई ऐसा संदेश जो महिलाओं को आप इसके माध्यम से देना चाहेंगे? देखो, महिलाएं देवी तुल्य है, उनका सम्मान करना हमारा अपना कर्तव्य है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है। महिलाओं के सम्मान के बिना देश का उत्थान नहीं होगा, धर्म संस्कृति का उत्थान भी नहीं होगा, इसलिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। हम सबको महिलाओं का सम्मान करने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR@nsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।